छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक महिला से उसका शराबी पति उसके मासूम बच्चे को लेकर चला गया, जिससे महिला की हालत खराब हो गई। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब महिला ने हेल्प डेस्क नंबर 181 पर फोन कर अपनी शिकायत दी। आपको बता दें कि सुनीता यादव निवासी महानगर के द्वारा 18 अक्टूबर को फोन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में महिला ने बताया था कि उसके 2.5 वर्ष के बच्चे को उसका पति अरविंद यादव शराब के नशे में लेकर चला गया है। मामला जैसे ही पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू के संज्ञान में आया तो एक टीम का गठन किया गया। टीम ने बच्चे की तलाश के लिए पुरजोर प्रयास शुरू कर दिए। आखिरकार टीम द्वारा मासूम विजय को बरामद करने में सफलता हाथ लग ही गई। पुलिस ने बच्चे को ग्राम चौरा डांड में राम अवतार यादव के घर से बरामद कर लिया। मासूम विजय को उसकी मां सुनीता यादव को सौंप दिया गया है। बच्चे के मिलने पर उसकी मां ने राहत की सांस ली है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।